नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिक्वायरमेंट के बारे में, जहां पे कुछ पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकला हुआ था और वहां पे जो एग्जाम सिलेबस है, क्या आपका गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, कितना कट ऑफ जा सकता है और कैसे आप तैयारी करेंगे, कौन कौन टॉपिक को ज़्यादा देखना चाहिए, सभी कुछ को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर के लिए, इसके लिए अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए यहाँ वैकेंसी निकला हुआ है, स्टेनो के लिए वैकेंसी निकला हुआ और बैंकिंग असिस्टेंट्स के लिए भी वैकेंसी निकला है। मतलब ये क्लर्क लेवल का वैकेंसी है और हम इसी पोस्ट के लिए बात करेंगे। कुल मिला के यहाँ पे कुछ अच्छे पोस्ट निकले हुए हैं, ठीक है ना, लगभग 500 से ज्यादा पोस्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो कितने सेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ टोटल 7 सेक्शन, 7 सेक्शन का एग्जाम होगा। और यहाँ पे देखिएगा, पहला सेक्शन है इंग्लिश, दूसरा सेक्शन है मैथ्स, तीसरा सेक्शन है रीजनिंग, चौथा सेक्शन है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, पांचवा सेक्शन है कंप्यूटर, छठा सेक्शन है अकाउंट। और यहाँ पे फिर देखिएगा राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट रूल 2001, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकाउंट से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर से 25 नंबर, जीके राजस्थान से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 40, मैथ से 40 और इंग्लिश से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको 200 क्वेश्चन बनाने हैं 120 मिनट में, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन बनाने हैं। अगर हम बात करें अब निगेटिव मार्किंग के बारे में, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि 1/4 होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 0.25, और हर एक सेक्शन में एटलीस्ट 33% आपको ऑब्टेंड करना होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मल्टीपल 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, कोई एक सही आंसर होगा, पूरा एवरी करेक्ट आंसर आपको पता है कि एक नंबर दिया जाएगा और 0.25 नंबर काटा जाएगा। दोज कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेंड एटलीस्ट 33% ऑफ टोटल मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जाम शैल बी कंसिडर, मतलब टोटल मार्क्स का 33% अगर आप लेके आते हैं तभी आप कंसिडर किए जाएंगे पास है या फेल है। और एससी और एसटी के लिए 28% होना चाहिए। देखिएगा इंग्लिश जो 10th लेवल का होता है, मैथ्स से जो बैंक में पूछा जाता है, रीजनिंग जो बैंक में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पूछा जाएगा ना कि क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे बैंकिंग वाला, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जीए का सिलेबस दिया हुआ है कि जीए का सिलेबस क्या होगा, उसके बाद कंप्यूटर का सिलेबस जो बैंकिंग में पूछा जाता है वही सिलेबस होगा, उसके बाद अगर हम देखें अकाउंट का सिलेबस जो जनरल सिलेबस होता है, राजस्थान के बारे में हम देखेंगे बाद में। अब देखिएगा पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक आप देखेंगे, तो जो नॉर्मल बैंक में पूछा जाता है वही सब टॉपिक आपसे यहाँ पूछा जाएगा इंग्लिश का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सा टॉपिक होगा, आरसी, आरसी देख लेना होगा आपको, आरसी लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे इंग्लिश में, तो आरसी लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद कॉमन एरर से मान लीजिए 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिलर सिंगल या डबल फिलर आपसे पूछा जा सकता है 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा फ्रेज रिप्लेसमेंट ये 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टॉपिक सुनिएगा फ्रेज रिप्लेसमेंट, मैंने बोला सेंटेंस रीअरेंजमेंट यहां से भी 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसे भी देख लीजिएगा, इन टॉपिक से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पैरा जंबल भी देख के जाएंगे, पैरा जंबल से आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन सब टॉपिक को आप अच्छे से देख लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉलन मैचिंग का भी एक क्वेश्चन आता है, बट मुझे नहीं लगता है कि वो पूछा जाएगा और एग्जाम का लेवल बिल्कुल ईजी होगा, ठीक है ना। मैं बाद में बताऊंगा कि आपको गुड अटेम्प्ट कितना करना चाहिए, ठीक है, पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आप देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में, जिसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से जान सकते हैं। तो मैथ्स का जो लेवल होगा वो इजी होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देख के जाना है मैथ्स में, उसके बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी देख के जाना है, कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद डीआई तो देखना ही है, डीआई आपको हो सकते हैं कि 10 क्वेश्चन डीआई के पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, देखिएगा हाँ 10 क्वेश्चन डीआई के पूछे जा सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन प्लस में एपीएक्स, आप लोग नोट कीजिएगा ये चीज,
उसके बाद डी आई इंपॉर्टेंट है, ये 10 क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे। पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इन सबको देख लीजिएगा। कैलकुलेटर नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद नंबर सीरीज, रॉन्ग या मिसिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है, रॉन्ग या मिसिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद नंबर सीरीज हो गया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी पूछे जा सकते हैं। और डेटा सफिशिएंसी देख लीजिएगा, डेटा सफिशिएंसी मैंने यहाँ लिखा और क्या छूट रहा है, डेटा सफिशिएंसी मैंने बता दिया। और वर्ड प्रॉब्लम जिसको मिसलेनियस के नाम से जानते हैं, उसके लगभग आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेटा सफिशिएंसी के भी हो सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आ जाए, तो जो भी टॉपिक मैंने बताया इतने से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ्स के लिए इतना टॉपिक इनफ है, इतने टॉपिक पे आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या देखेंगे। एस आई एंड सी आई अच्छे से देखेंगे, पार्टनरशिप देख लेंगे, पार्टनरशिप देख लेंगे, उसके बाद आप परसेंटेज के क्वेश्चन देख लेंगे, एज के क्वेश्चन देख लेंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन देख लेंगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देख लेंगे, और टाइम एंड डिस्टेंस, इनसे एक एक क्वेश्चन तो रहेगा। मतलब जो भी टॉपिक मैंने बताया 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में सिलोलिज्म आपको देखना है, प्लस में इन इक्वेशन देखना है, ठीक है, सिलोलिज्म, इन इक्वेशन। उसके बाद आपको क्या देखना है, सिलोलिज्म हो गया, इन इक्वेशन हो गया, ये आप लोग बोलेंगे तो सिलेबस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अभी मैं रफली यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, सिलोलिज्म हो गया, इन इक्वेशन हो गया, उसके बाद डेटा सफिशेंसी यहाँ भी पूछा जा सकता है। नंबर 3 में क्या पूछा जा सकता है, पजल, प्लस में सिटिंग अरेंजमेंट, पजल आपसे 2 पूछे जा सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट 1 पूछा जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। अब क्या क्या हो गया, सेलुलिज्म हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, इसके अलावा ब्लड रिलेशन आपको देखना चाहिए और डायरेक्शन सेंस भी देखना चाहिए। डेटा सफिशिएंसी मैंने बता दिया, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इतना ही टॉपिक आप देख लेंगे। अल्फाबेट सीरीज देख लीजिएगा, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर बेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि पजल में सिटिंग अरेंजमेंट में क्या पूछा जाएगा, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, मतलब अनसर्टेन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन में कितने भी पर्सन को बैठाना होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर टेबल आपसे पूछा जा सकता है, सर्कुलर टेबल आपको इनसाइड आउटसाइड दिया जा सकता है, बट ईजी होगा, ठीक है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में पैरेलल लाइन भी देख लीजिएगा। पजल में आप लोग क्या देखिएगा, जनवरी लिखा होगा, 2 डेट लिखा होगा, मतलब 15-20 तारीख ऐसे लिखा होगा, ऐसे ही कुछ मंथ दिया होगा फरवरी, फिर 15-20 तारीख को कोई काम होता है, ऐसे कुछ दिया होगा, कुछ पर्सन कोई काम करते हैं, तो ऐसा वाला पजल आप देख लीजिएगा। फ्लैट वाला पजल देख लीजिएगा, जिसमें फ्लैट होते हैं और फ्लोर होते हैं, ये पजल आप देख के जाएंगे, क्योंकि मेंस का एग्जाम होगा सीधा, तो आपको फ्लैट और फ्लोर का पजल पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लगता है 3 कॉलम का कोई भी पजल होगा, तो उस पे एक बार ये प्रैक्टिस करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। उसके बाद कंप्यूटर पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया, तो उनको देख लीजिएगा। उसके बाद बेसिक नॉलेज होगा, जिसमें ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, नेट सर्फिंग के, इंटरनेट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं होगा। अकाउंट का सिलेबस है देख लीजिएगा, सिंपल सा होगा। उसके बाद ये जो सिलेबस है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, या ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं शो कर दूंगा, ऊपर में यहाँ दिखा रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा जीके, राजस्थान का जीके में देख लीजिएगा क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये देख लेते हैं कि गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, कट ऑफ कितना होना चाहिए। तो थोड़ा मेरा मोबाइल हैंग हो गया है, अब ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, और इंग्लिश का लेवल क्या होगा, इजी होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सीधा मेंस का एग्जाम हो रहा है, तो अगर मेंस का एग्जाम हो रहा है तो आप लोगों को तैयार भी अच्छे से रहना होगा। अब इंग्लिश इतना आसान होगा कि सभी बच्चे 20 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं, अगर आपने अच्छे से तैयार किया, मिनिमम 20 नंबर तो आपके हाथ में होने चाहिए। उसके बाद देखिए मैथ्स है, मैथ्स में भी कोशिश करना आप लोगों को कि कम से कम 30-32 के आसपास मैथ्स में आपको लाना है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आसान होगा। उसके बाद देखिएगा रीजनिंग, रीजनिंग में भी आपको 32 के आसपास लाना है, ठीक है, 30 के 32 के आसपास। इंग्लिश में मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, इंग्लिश में 20 नंबर मान लीजिए आया आपका, यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ पे भी 32, ठीक है, ये आसान होंगे। राजस्थान का जीके थोड़ा हार्ड हो सकता है, तो यहाँ पे 18 नंबर आपने लाया। उसके बाद कंप्यूटर तो बहुत आसान होगा, कंप्यूटर में 22 नंबर मुझे चाहिए आप लोग से, कंप्यूटर बहुत आसान पूछा जाएगा, बच्चों जैसा कंप्यूटर पूछा जाएगा। अकाउंट में 25 नंबर, तो अकाउंट में मान लीजिए कि 16 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अकाउंट में 16 नंबर हो गया। और यहाँ राजस्थान के बारे में जो पूछा जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 6 नंबर लाया, या मान लीजिए 5 ही नंबर आया, तो यहाँ मैंने बोला 16 5 21 हो गया इन दोनों सेक्शन को मिला के, और इन दोनों सेक्शन को मिला दे कंप्यूटर में 22 बोला मैंने, और यहाँ पे मैंने बोला 18, मतलब 22 और 18 इन दोनों को मिला के 40 नंबर। हाँ, मैथ्स रीजनिंग को मिला के 62 ही नंबर मान लिया, और इंग्लिश को कितना मैंने बोला 20 नंबर, मतलब 82 122 122 और 21 143 के आसपास आपका नेगेटिव करके आना चाहिए, ठीक है, 143 आपका आना चाहिए। और गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, तो गुड अटेम्प्ट कोशिश कीजिए कि 160 के आसपास होना चाहिए, ओवरऑल किसी भी तरह गुड अटेम्प्ट आपका 160 होना चाहिए, उसमें से आपका 143 के आसपास स्कोर आना चाहिए, ठीक है। अगर इतना स्कोर आता है तो आप पे आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, और क्लर्क में मुझे लगता है कि इंटरव्यू नहीं होगा, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। अगर आपने राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के लिए तैयारी किया है, कोशिश कीजिए मिनिमम 160 बनाने का, ठीक है ना, या इससे भी ज्यादा हो तो कोशिश कर सकते हैं, बट मिनिमम 160 आपको बनाना है, और 143 से 145 143 से लेके 145 के बीच में आपको कम से कम स्कोर लेके आना है, इससे भी ज्यादा ला सकते हैं बट इतना लेके आना है, ठीक है ना। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए वो 140 से प्लस है, मतलब 145 से लेस देन होना चाहिए, 145 से कम होना चाहिए आप लोग का कट ऑफ जनरल का, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अलावा किसी का भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, और जाते जाते मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा इजी होगा, बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। और इसके अलावा राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, और मैं बता दूं कि LIC असिस्टेंस के लिए जो मैंने प्रीलिम्स के लिए वीडियो बनाया था टॉपिक वाइज, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, वहां से भी आप लोग को फायदा मिलेगा। बाकी सब बैंक के एग्जाम से ये वाला एग्जाम बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, तो जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनके पास एक अच्छा मौका है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।